सत्तरवे फिट। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट लेसन का आखिरी पार्ट आपने आठ थे इसमें, सात मैंने आपको वीडियो भेज चुके हैं, आठवां ये बना रहे हैं। तो आपका पहला लेसन समाप्त हो गया। देखिए इसमें दिया पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भारत भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं कर चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ये पैराग्राफ है, हमने यही कहा, तो कई बार कहा, कहते भी हैं और ऐसा करेंगे भी, जो पहला बड़ा होगा उसको संकेत में लिख देंगे, लेकिन आप जो फेर करेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, जो छोटा पहला होगा उसको पूरा लिख देंगे, पूरा लिख दिया। इसमें जो ये रेखांकित है आपको केवल प्रश्न उत्तर उत्तर में यही लिखना है, लेकिन हम समझा प्रश्न पूरा देंगे। देखिए पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वाजपेयी शरण अग्रवाल, ये हो गया। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो लिखी भी है शुरू में, कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो उन्नति की है उस पर गर्व करते हुए हम उसे राष्ट्र की भूत के रूप में स्वीकार करते हैं। यह व्याख्या में इतना लिखना होता है उत्तर में, लेकिन हम पूरा आपको बता दे रहे हैं, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, उसके तेज उसकी गति को उसकी तेजी को आने वाले अपने जो जीवन है हमारा भविष्य आगे उस जीवन में साक्षात रूप से देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, यही हमारे राष्ट्र का संवर्धन का एकत्र करने का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भारत भार रूप नहीं है, जहाँ हमारा जो अतीत है बीता समय वो वर्तमान के लिए भार के तरह स्वरूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, जहाँ जो बीता हुआ समय आने वाले समय को या वर्तमान समय को कभी अपने आप में समय नहीं करना चाहता, बल्कि अपने वरदान से पुष्ट करके मजबूत करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। बस थोड़ा बदलना मिनट, एक आध मिनट चेंज करते हुए लिख देना, बहुत ज्यादा नहीं बदला जाता है। प्रश्न नंबर तीन, हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दर्शाया है? उत्तर, हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के धर्म कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्रों में तथा अपने चरित्र को महान बनाने की दृष्टि से अपना पराक्रम दिखाया है। प्रश्न चार, हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ किसे देखना चाहते हैं? उत्तर, प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय है, इस आकांक्षा को ही हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। प्रश्न पांच, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग क्या है? उत्तर, हमारे पूर्वजों द्वारा दर्शाए गए महान चरित्र, उनके महान कार्य, उनके प्रति गौरव का भाव और अपने जीवन में उतार कर अपना भविष्य उज्जवल बनाए, यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। यह आपका पूरा हो गया, आज से आपका लेसन समाप्त हो गया, आठों पैरा में आपने करा दिए क्वेश्चन, सिर्फ ये फेयर कॉपी में कर लेना, कंप्लीट कर लेना।